अभी यही दिखा रही हूँ तुम्हें, माध्यमिक उच्च माध्यमिक परीक्षा कैंसिल हो गए थे, माध्यमिक उच्च माध्यमिक जब हम चालू के लिए दिखा रहे हैं। चौबीस आड़ू, 36 खुबानी और 60 केले के किले हैं। उन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार रखा जाए कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में केवल एक ही प्रकार के फल हो। ऐसा करने के लिए पंक्तियों की न्यूनतम संख्या क्या हो? ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी डी, इनमें से कौन होगा? तो कैसे निकालेंगे, क्या करना है, प्रत्येक में एक ही प्रकार का फल रखना है, ठीक है। तो इनका क्या लिखाना पड़ेगा, 24, 36 और 60 का मसप, 24, 36 और 60 का मसप, तीन ऑप्शन में से चुनेंगे कि ए बी सी में से कौन सा, सी डी में से कौन सा होगा। तो देखो 9 से 24 नहीं कटेगा, 36 कटेगा, 60 नहीं कटेगा, मतलब 9 नहीं होगा। 10 है केवल 60 कटेगा, 6 से तीनों कटेगा और 12 से भी तीनों कटेगा। तो बोला है कि मसा पर निकालना है, मसा पर क्या होता है, बड़ी सी बड़ी संख्या, मतलब कम से कम कितने लाइन लगा सकते हैं, सबसे छोटा वाला कम लाइन, तो मसापक जो बड़ा है का उसको ले लेंगे। तो 6 और 12 में बड़ा भरा है, तो ऑप्शन ए है। दूसरा नंबर, मान लो x एक लघुतम संख्या है जिससे जब 2000 में जोड़ा जाता है तो 12, 16, 18 और 21 से विभाज्य होता है, तो x का अंकों का योग क्या होगा, इसको निकालना है। इसमें भी ऑप्शन दिया है ए बी सी डी, कैसे निकालेंगे इसका, लसा पर निकालेंगे और देखेंगे 2000 से काटने के बाद कितना आता है। चलो बनाना शुरू करते हैं, 16, 18, 21, इसका लसा का क्या होगा, 2 से कटेगा, 2 6 12, 2 8 16, 2 9 18, 21, 2 3 6, 2 4 8, 9 21, 3 1 3, 4, 3 3 9, 3 7 21, प्लस अब क्या गुना करते हैं, 4 4 23 12 12 48 और 21 गुना करेंगे, 8 4 16 6 8 9 8 0 1008। 2000 में कितना जोड़ा जाएगा, तो मतलब 2000 को 1008 आया लासा का। लसप 2000 के निकट, मतलब क्या करना है, 1008 से 2000 में भाग देना, यानी कि इसका 2 गुना होगा, सिंपल इसमें 2 से गुना कर देते हैं, 16 0 2, मतलब 2000 में कितना जोड़ने से कटेगा, 16 16, मतलब x 16 जोड़ने से x का मान क्या हो गया, 16। बोला है 16 का अंकों का योग क्या होगा, तो 16 के अंकों का योग होगा 1 जोड़ 6 = 7, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। तीसरा नंबर, वह लघुतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18, 36 और 45 से विभाजित किए जाने पर क्रमशः 8, 14, 32 और 45 शेष बचे। बारह से भाग देने से कितना बचे, 8,
18 से 14, 36 से 32 और 45 से 41। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन सब का 12, 18, 36 और 48 से 8, 14, 32 और 41 में अंतर देखेंगे। तो 12 से अगर 8 घटाया जाए तो कितना बचता है, 4। 18 से 14 घटाए तो 4, 36 से 32 घटाए तो 4 और 45 से 41 घटाए तो 4। सबका अंतर कितना आ रहा है, 4। यानी कि जो दिया गया संख्या है 12, 18, 36 और 45 के लसप से 4 घटा दे तो संख्या मिल जाएगी। तो 12, 18, 36 और 45 का लसप क्या होगा, दो से कटेगा, 6, 9, 18, 45, फिर दो से कटेगा, 2 3 6, 9, 9, 45, 3 से काटेंगे, 3 1 3, 3 3 9, 3 3 9, 15 3 45, फिर 3 से काटेंगे, 1 1 5, गुना कर दो, 5 3 15, 30, 30 6 180। अब बोला है कितना घटाना है, 4, इसमें से 4 घटा देंगे, 4 घटाना है 7 में। जो अभी हम हिंदी इंग्लिश ईबीएस जो पढ़ रहे हैं वही सब्जेक्ट पे जो तू एच में पढ़ रहा है, 176 यानी कि ऑप्शन बी। वह लघुतम संख्या जिसे 6, 9, 12, 15, 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 2 शेष बचे। तीसरा करना है, इन सब का लसप निकालना है और इसमें 2 जोड़ देना है, 6, 8, 12, 15 और 18, 2 से 8, 2 6 12, 15, 9, फिर 2 से जाएगा 3, 2, 3, 15, 9, 3 से काटेंगे, 3 1 3, 3 1 3, 3 5 15, 3 3 9, अब गुना कर देंगे, 4, 4 2 8, 8 5 40, 40 6 120, अच्छा यहाँ पर 9 था, चलो 9 करके बना देते हैं, 6, 9, 12, 15 और 18 का लसप ले रहा है, 2 से जाएगा, 2 3 6, 9, 2 6 12, 15, 2 9 18, 3 से जाएगा, 3 1 3, 3 3 9, 3 2 6, 3 5 15, 3 3 9, फिर 3 से जाएगा, 1 1 2 5 1, गुना करेंगे, 5 10, 10 2 20, 20 9 180, प्रत्येक मामले में कितना शेष बचना चाहिए, 2, इसमें 2 जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 182, यानी कि ऑप्शन सी। पांचवा सवाल, 3 आदमी एक स्थान से एक साथ चलते हैं, उनके कदम क्रमशः कितना है, 63, 70, मतलब स्टेप्स, एक स्टेप में इतना सेंटीमीटर चलते हैं, तो न्यूनतम तय की गई दूरी जानी चाहिए जिससे उस पूरे कदमों में तय किया जा सके, मतलब आधा कदम नहीं पूरा कदम करना, तो क्या करना पड़ेगा, इन तीनों का लसप लेना पड़ेगा, 63, 70 और 77, तीनों का लसप क्या होगा, देखो ये सब 7 से कट रहा है ना, 7 को बाहर निकाल देते हैं पहले, तो क्या हो जाएगा, 9, 10 और 11, 9, 10, 11 का लसप लेंगे, उसमें 7 से गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, तो 11,
मतलब इन सब संख्याएं जो है 9, 10 से और 11 और 7 से कटने वाले होने चाहिए। तो 10 से कटने वाली संख्या सब में 0 है तो 10 से कटने वाला है। 9 से कटने वाला चेक कैसे कर दें, 9 आना चाहिए जोड़ने के बाद। सब में 9 आ रहा है, इसमें 9 आ रहा है, इसमें 9 से कटने वाला आ रहा है, इसमें 9 से कटने वाला आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, 9 भी छोड़ देते हैं। अभी 11 से कटने वाला वाली या फिर इसका हम ल से पहले निकाल लेते हैं। अच्छा 11 से कटने वाला कैसे देखेंगे, तो ऐसे और ऐसे जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए या फिर उन दोनों का अंतर 11 से कटने वाला आना चाहिए। यही नियम है, देखते हैं। 6, 3, 9 और 3, 12 और 6, अंतर क्या होगा, 7, 8, 7, 6, 12, 7, 13 होता है ना, 6, 6, 12, 6, 11 से नहीं कटेगा, मतलब 11 से नहीं कटेगा। दूसरा ये 6, 3, 9, 9, 9 बराबर घटाओ 9, 0, 11 से कटेगा। अच्छा इसको देखते हैं, 9, 6, 3, 0, ये भी नहीं कटेगा, 9, 6, 15 घटाओ 3, 12, ये नहीं कटेगा। इसको देखें क्या होगा, 6, 5, 11 घटाओ 9, ये भी 11 से नहीं कटेगा, मतलब हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ए। इसको और अच्छा से निकाल के देख लेते हैं, चेक करना क्या है, तो सी ऑप्शन सी राइट है। हम क्या करेंगे, इसका लसप निकालेंगे, जो आएगा वही उत्तर। लसप किसका निकालना है, 63, 70, इसको साफ कर देते हैं। सत्तर का निकाल लेते हैं, लसप किसे जाएगा, 7 से 7, 9, 63, 10, 11 गुना कर दो, 10, 90, 77, 7, 9, 63, 3, 6, 7, 9, 63, 69, आ गया 69, 30 आपका। छठा सवाल, 2300 और 3500 को किस महत्तम संख्या से विभाजित किया जाए कि क्रमशः 32 और 36 शेष बचे। 2300 में भाग देने से कितना बच रहा है, 32, और 3500 में भाग देने से बच रहा है 56। तो 2300 को क्या करेंगे, से क्या करेंगे, 32 घटा देंगे और 3500 से 56 को घटा देंगे। घटाते हैं 10 में तो जाएगा 8, 9, 9 में से 3 जाएगा तो 6, 2, 2, 3 से घटाएंगे, 10 में से 5 जाएगा तो 4, 9 में से 5 जाएगा तो 4, 4, अब क्या करना है, इन सब दोनों का मसप निकालना। तो 2, 2, 6, 8 से 3, 4, 4 को भाग देंगे, एक बढ़ जाएगा, 2, 2, 6, 8 घटाएंगे, 14, 8, 6, 13, 6, 7,
तीन दो एक एक दो दो छः आठ, फिर एक बार जाएगा एक एक सात छः घटाएंगे दो नौ जीरो एक, एक एक सात छः फिर एक बार जाएगा एक जीरो नौ दो छः में से दो जाएगा तो चार आठ, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ आठ चार बानवे भाग देंगे, एक बार जाएगा नौ में से चार जाएगा तो पाँच, तो दो उतारेंगे कितना बार जाएगा चार, तीन बार चला जाएगा तीन चौक बारह का दोनों सिर्फ एक मिनट चौबीस एक मसा पर कितना आया चौरासी। चौरासी ऐसी संख्या है जिससे उसमें भाग देने पर 2300 में भाग देने से 32 और 3500 में भाग देने पर 56। हमारा ऑप्शन ए। पांच अंकों वाली वह लघुतम संख्या बताओ जो 12, 18, 21 से विभाजित हो जाए। तो पांच अंक वाली संख्या कौन सा है? सभी पांच अंक वाली संख्या है। छोटी संख्या कौन सी होगी जो 12, 18, 21 से कटेगी? तो 12, 18 और 21 का हम क्या करेंगे लसा पर निकालेंगे। दो से जाएगा दो छोके 12, दोनों 18, 21, तीन से काटेंगे तीन दुनिया चौदह त्रिक नौ तीन सात इक्कीस, गुना करेंगे साधु ने का 14 साधु ने 28 तीन तरीके एक बार गुना करेंगे 9 8 9 72 2 बचा कितना 7 18 19 20 5 25 2 5 पांच अंकों वाली छोटी संख्या बताना। तो पांच अंकों वाली छोटी संख्या क्या होता है? एक के बाद चार जीरो, तो एक के बाद चार जीरो तो क्या करेंगे 225 से 252 से भाग देंगे। भाग देंगे 252 से, तीन बार जाएगा तीन दुनी का छः तीन पाँच पंद्रह के पाँच हासिल एक तीन दुनी का छः एक सात घटाएंगे चार चार एक एक दो नौ सात जाएगा दो, अब कितना बार जाएगा जीरो उतारेंगे दो नौ अठारह मतलब नौ बार चला जाएगा दो जीरो दोनों अठारह का आठ सिले दो पाँच दस नौ पाँच पैंतालीस चालीस छः फसल चार नौ का नौ चार नौ का अठारह चार बाईस, बाईस कितना बचा दो तेरह तेरह में सात सात एक मतलब 252 से 39 बार में पांच अंकों की छोटी संख्या नहीं कट रहा। अब शेष बच रहा है कितना 172 मतलब 252 में कितना गुना होगा 40 गुना जो कट जाएगा पांच अंकों के साथ छोटी संख्या कर देंगे मतलब छोटी संख्या क्या पांच अंकों की सबसे लघुतम संख्या सबसे छोटी संख्या होगी जो कटेगी 252 से। 252 से कटने वाला संख्या क्या हो जाए 12 18 किससे कटेगा तो गुना करके देख लेते हैं चार दुनिया का आठ चार पाँच बीस शून्य से दो चार दुनिया का आठ दो दस मतलब 10,000 10,080 कटेगा तो ऑप्शन डी